एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरे चैनल पे कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र ब्राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 12th क्लास का चैप्टर 2 एक दल प्रभुत्व का दौर। दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चुनाव आयोग का गठन कैसे हुआ, चुनाव आयोग की क्या चुनौतियां थी और प्रथम आम चुनाव में कौन कौन सी समस्या देखने को मिली थी, प्रथम चुनाव आयोग के कौन आयुक्त बने थे तथा प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व किस प्रकार से शामिल था। दोस्तों आइए देखते हैं ये पूरा हेडिंग जो कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, और बताते हैं कि लोकतंत्र में जो हमारे मंत्री और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका किस प्रकार से इस आंदोलन में योगदान रहा और तथा आजादी के बाद किस प्रकार से अपना इन्होंने भूमिका निभाई। आइए दोस्तों देखते हैं। भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लोकतंत्र में गहरी आस्था थी, इसलिए भारत आजादी के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया। जबकि लगभग उसी समय आजाद हुआ कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय ही देश में अंतरिम सरकार थी। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। दोस्तों चुनाव आयोग की जो प्रथम इसमें जो चुनौतियां थी वो इस प्रकार से थी, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं, अधिकारी और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, कम सक्षमता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। दोस्तों प्रथम आम चुनाव जो है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक का एक चुनाव का सफर चला, जिसके दौरान पहले तीन आम चुनाव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन कायम रहा। दोस्तों प्रथम चुनाव में जो है बहुत संसाधनों की कमी थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने जो है 1951 से लेकर 52 तक के चुनाव का सफर चला। इस चुनाव में जो है मतदाताओं की विशाल संख्या थी, जिसमें गरीबी व निक्षरता यानी चुनाव हेतु संसाधनों की कमी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो है प्रशिक्षित चुनाव कर्मियों का भी अभाव था। दोस्तों इसी कारण से जो है चुनाव 1951 से लेकर 52 तक की अवधि में चला। इस समय जो है वोटर लिस्टों में नाम किसी का गलत चढ़ गया तो किसी का पति की जगह पत्नी के नाम, और जो है चुनाव आयोग के द्वारा और भी कई सारे कर्मियां देखने को मिली थी। बाकी देशों में भी एक पार्टी का जो प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है। म्यांमार, बेलारूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तथा सैन्य उपागम से कायम हुआ। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने से होता रहा है। म्यांमार, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ है। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के होते हुए रहा है। कांग्रेस के प्रथम तीन आम चुनाव में वर्चस्व रहा, इसके जो रीजन का है वो इस प्रकार से, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका जो कि कांग्रेस की थी, सुसंगठित पार्टी भी कांग्रेस की थी, सबसे पुराना राजनीतिक दल, पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, प्रसिद्ध नेता, सबसे समेट कर मेलजोल के साथ चलने के प्राकृतिक भारत के चुनाव सिस्टम, ये कांग्रेस का जीतने का और जो है शासन करने का सबसे पहला जरिया देखा जाता है। कांग्रेस की प्राकृतिक एवं सामाजिक विचारधारा गठबंधन की है कि कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बसिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक के एवं माध्यम, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी जो है और शिक्षित गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के माध्यम कर्मियों को सहमति की, इसलिए कांग्रेस को विजय यानी कि लगभग 3 बार वर्चस्व शामिल रहा और जिससे कि कांग्रेस लगातार अपना शासन जो है स्थापित करती रही। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव से ने विपक्षी दलों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। कांग्रेस की असाधारण ताकत थी, चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में शासक दल की भूमिका निष्पक्ष और विपक्ष भी थी, जिसके इसी के कारण भारतीय राजनीति के
इस कालखंड के कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों आज वर्तमान में हम देखें तो कांग्रेस का वर्चस्व जो है लगभग खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यूपीए की सरकार की जगह आज वर्तमान समय में एनडीए की सरकार चल रही है, जिसमें माननीय श्री मोदी का वर्चस्व आज भी कायम है। 2014 में जो एनडीए सरकार ने किस प्रकार से जो है अपना वर्चस्व कायम शामिल किया, 543 सीटों में से सबसे अधिक सीट जो है एनडीए सरकार को ही मिली थी, जिसमें बीजेपी का अधिक रोल देखने को मिला था। ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ प्रमुख विपक्षी दल, जो कि सबसे पहले समाजवादी दल है, जो कि 1934 में कांग्रेस का एक गुट तथा 1948 में कांग्रेस से अलग नया दल बन गया। इसके प्रमुख नेता थे जय प्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एम एन जोशी, राम मनोहर लोहिया। इसकी प्रमुख नीति थी लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास। दोस्तों दूसरी पार्टी देखते हैं समाजवादी दल। 1935 में कांग्रेस का एक समूह दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग और 1964 में चीन युद्ध के कारण विभाजन। इसके जो है प्रमुख नेता ए के गोयल, एस ए डोंगा, पी सी जोशी, अजय घोष, ई एम एस नमूदार पद आदि। इनके जो प्रमुख नीति है उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण, वितरण सिस्टम मजबूत और वह मजदूर हितों का समर्थन, यूएसए और पश्चिमी देशों पर विशेष योगदान। आइए दोस्तों देखते हैं स्वतंत्रता पार्टी अगस्त 1959 में इसके प्रमुख नेता हैं सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी, एम जी रांगा, मीनू मानसी आदि। प्रमुख नीति है इस पार्टी की सरकार का कम हस्तक्षेप, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार, गुट निरपेक्षता की आलोचना, यूएसए की से मित्रता, तिब्बत की आजादी। दोस्तों भारतीय जनसंघ 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मोचा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी आदि। इनका प्रमुख नीति है अखंड भारत, एकात्मक शासन, हिंदी राष्ट्रभाषा, अनुच्छेद 376 विशेष, समाज नागरिक सहित परमाणु हथियार निर्माण, सरकार का कम हस्तक्षेप, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र की बात करते रहे हैं। ये जो सारी मैंने आपको पार्टियां बताई हैं, इन सभी को नीति जो है अलग अलग थी, इन्होंने अपने अपने हिसाब से भारत को चलाने की कोशिश की थी। जैसे कि आप वर्तमान समय भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए की सरकार चल रही है, जिसके अंदर अपने हिसाब से देश को चलाया जा रहा है, एक राष्ट्र एक देश बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनसंघ के बारे में बता रहा हूँ, एक पार्टी थी और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इस पार्टी का जो नीति था वो किस प्रकार से था, आइए दोस्तों देखते हैं। एक देश एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र का विचार था इन लोग इस पार्टी का, और भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा के आधार पर आधुनिक प्रगतिशील और ताकतवर भारत की कल्पना की थी इस पार्टी ने। भारत वह पाकिस्तान को मिलकर अखंड भारत का पक्षधार दिया था। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन भी किया था भारतीय जनसंघ पार्टी ने। दोस्तों इसी प्रकार से देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1951 में हिंसक क्रांति का रास्ता त्यागा, आम चुनावों में भागीदारी की और 1964 में विभाजन हुआ। चीन समर्थकों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम से दल बना। 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को सच्ची आजादी नहीं माना, तेलंगाना में हिंसक विरोध को बढ़ावा दिया। ए के गोयल, एस ए डोगा, ई एम एस नमरुदार पद, पी सी जोशी आदि प्रमुख नेता थे। ये सारे जो नेता मैंने आपको बताए ये पूंजीवाद के विरोधी थे। आइए दोस्तों बात करते हैं पार्टी के भीतर गठबंधन। भारत में प्रथम आम चुनावों से ही देखने को मिला जब कांग्रेस विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में दिखी तो अलग अलग गुटों के होने से इसका स्वभाव सहनशील बना तथा कांग्रेस के भीतर ही संगठन का ढांचा अलग होने पर
भी व्यवस्था में संतुलन साधने के एक साधन के रूप में काम किया। वर्तमान राजनीति में पार्टियों के बीच गठबंधन दिखाई देती है, जहां भारतीय लोकतंत्र हित में अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले हर दल आम सहमति के मुद्दों पर मिलीजुली सरकार बनाते हैं, परंतु अपने दल की नीति नहीं बदलते हैं। भारत राजनीतिक दलों में सतर्क बनाने का जो कारण है इस प्रकार से है। आइए दोस्तों जानते हैं। संवैधानिक प्रावधान, स्वतंत्र चुनाव आयोग, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय व्यवस्था, दबाव एवं हित संबंध। दोस्तों इसी प्रकार से हम जानते हैं कि भारत और मैक्सिको में ये जो दोनों देश है, इन देश में एक ही पार्टी का शासन कायम कैसे हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं। मैक्सिको में इंस्टीट्यूट रिवोल्यूशन पार्टी PRI की ही विजयी रही, बाकी पार्टी बस नाम मात्र की थी, ताकि शासन दल के दल को वैधता मिलती रहे। चुनाव के नियम शासक दल के अनुरूप तय किए गए। शासन दल ने चुनावों में अक्सर हेरफेर तथा धांधली की। भारत में एक दल के प्रभुत्व के पीछे कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन को विरासत मिली थी। कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक ढांचा मजबूत तथा व्यापक था, विपक्षी दल का संगठन कमजोर था। स्वतंत्र जो है सबसे अधिक मतों से जीतने वाली जो पार्टी थी उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी थी, जो शासन व्यवस्था में कायम थी। दोस्तों आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि जो अच्छा काम करेगा, यानी कि जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए, इस राष्ट्र को विकसित करने के लिए जो अच्छा काम करेगा उसी पार्टी को लोग जो है चुनेगी जनता, और आप लोग जो है अच्छे अपने प्रतिनिधियों को चुनिए, जिससे कि समाज में विकास हो, ना कि भ्रष्टाचार का विकास हो। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मैं 11th, 12th, BA तथा MA के लिए भी नोट्स बनाता हूं, तो अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो मेरे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।